हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। राखी के पति पर सस्पेंस है बरकरार, क्या पहले करवा चौथ पर होगा रितेश का दीदार? वेल, आपको बताते हैं क्या है पूरी खबर। तो ड्रामा क्वीन राखी सावंत की शादी अभी तक लोगों के लिए एक बड़ा सवाल बनी हुई है, क्योंकि राखी ने शादी करने का दावा तो कर दिया है लेकिन अभी तक उनके हस्बैंड को किसी ने नहीं देखा है। राखी के पति कौन है और कैसे दिखते हैं ये किसी को भी नहीं पता। राखी की शादी में कितनी सच्चाई है ये तो वो खुद ही जानती होंगी, लेकिन शादी करने का दावा करने वाली राखी का शादी के बाद ये पहला करवा चौथ है। अब सवाल तो ये उठता है कि अपने पहले करवा चौथ पर राखी दुनिया के सामने अपने पति को लेकर आएंगी या फिर फैंस की उनके पति को देखने की चाहत एक बार फिर से अधूरी रह जाएगी। बता दें कि जब से राखी की शादी हुई है तब से वो मांग में सिंदूर लगाए और गले में मंगलसूत्र पहने हुए नजर आती हैं। हर जगह हर इवेंट पर राखी अपने पति का जिक्र करना कभी नहीं भूलती, लेकिन फिर भी राखी ने अपने पति को छिपा कर रखा हुआ है। एक इंटरव्यू में जब राखी से उनके हस्बैंड को सामने लाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया, मेरे पति को मीडिया पसंद नहीं है, रितेश एक बहुत ही प्राइवेट इंसान है, उन्हें मीडिया के सामने आना और बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बिजनेसमैन है, वो बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए इंसान है। वहीं बिग बॉस शुरू होने से पहले राखी ने ये दावा किया था कि वो शो के प्रीमियर एपिसोड पर अपने पति को दुनिया से इंट्रोड्यूस कराएंगी, लेकिन बिग बॉस के प्रीमियर में ना तो राखी दिखी और ना ही उनके हस्बैंड रितेश। बता दें कि 28 जुलाई को राखी सावंत ने मुंबई के JW मैरियट होटल में गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। पहले एक सीक्रेट वेडिंग को राखी ने ब्राइडल फोटोशूट बताया, लेकिन बाद में NRI बिजनेसमैन से शादी करने का खुलासा कर सभी को चौंका दिया। वेल, इस वीडियो में बस इतना ही। आप कितने एक्साइटेड हैं राखी के पति को देखने के लिए तो आप हमें कमेंट्स के जरिए बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।